Students, welcome back to my channel. And today we are going to do chapter 6 from class 12 supplementary reader Vistas. The name of the chapter is On the Face of It, and it has been written by Suzanne Hill. Suzanne Hill was born on 5th January 1942. She is a very famous English author of fiction and non-fiction. She wrote several novels, including I Am the King of the Castle, for which she received the Somerset Maugham Awards. तो ये प्ले है दो ऐसे लोगों के बारे में जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, who are suffering from certain physical impairment. प्ले डील करता है ऐसे लोगों की जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके द्वारा महसूस किए जाने वाले सेंस ऑफ लॉस से, सेंस ऑफ आइसोलेशन से, कि कैसे जो पर्सन जो किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, उसे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और कैसे उसे धीरे धीरे करके वो मेन स्ट्रीम से आइसोलेट होते जाता है. ये प्ले अपने तरीके से ये बताने की कोशिश भी करता है दैट अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ काइंड ऑफ फिजिकल disability, how can he overcome this pain? यहाँ author कहती है कि किसी physically disabled आदमी का जो actual pain होता है, वो उसके physical impairment की वजह से उतना नहीं होता, जितना कि उसके द्वारा महसूस किए जाने वाले sense of alienation की वजह से होता है. ये sense of alienation दूसरे लोग उसे feel कराते हैं, जो उसे देखकर उसकी कमजोरी की वजह से उसको judge करते हैं, उसे दूसरों से अलग समझते हैं, और उसे कहीं ना कहीं उसे नीचा फील कराते हैं, और उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो दूसरों से कमजोर है, और वो कभी भी दूसरों के साथ दूसरों जैसी नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकता. इससे धीरे धीरे करके उस बंदे का कॉन्फिडेंस खत्म होते जाता है, और वो अपने आप को एलिनेट कर लेता है, दूसरों से अलग कर लेता है. ये जो टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट, ये भी यही इंडिकेट करता है दैट समटाइम्स द थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इनसाइड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे अपीयर टू बी समथिंग एल्स. कई बार चीजें बाहर से देखने में कुछ और लग सकती हैं, और या हम उनके बारे में उनको देख के कुछ और ही अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको इंटरनली देखें या उनको एनालाइज करें तो कुछ और ज्यादा फैक्ट्स हम निकल के आ सकते हैं, या कुछ और भी मायने इनके निकल सकते हैं. तो कभी भी किसी चीज के फिजिकल अपीयरेंस पे पूरे तरीके से रिलाय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीजें जैसी दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा मीनिंग रखती हैं कि वो एक्चुअल में कैसे होती हैं. So there are basically two characters in the story. One is Mr. Lamb, who is an old man with a tin leg. This old man is very lonely and lives in a big house with a garden. Another character is Derry, who is a 14-year-old boy. तो प्ले शुरू होता है फर्स्ट सीन के साथ, जो सेट है मिस्टर लैम के गार्डन में. मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी हैं जो बिल्कुल अकेले एक बहुत बड़े से घर में रहते हैं. वो घर जिसके साथ एक गार्डन है जिसका गेट हमेशा खुला रहता है. तो जब सीन स्टार्ट होता है तो हमें चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं, पत्तियों के सरकने की आवाजें सुनाई देती हैं. डेरी एक लड़का जो बाउंड्री को क्रॉस करके गार्डन में एंटर कर गया है और चुपके से आगे बढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रुक रुक के उसके चलने की आवाजें लंबी घास के अंदर से सुनाई दे रही हैं. वो एक झाड़ी जैसे पर्दे के सामने खड़ा होता है आके, और तभी उसको मिस्टर लैम की आवाज सुनाई देती है जो बहुत पास में होते हैं. तो नेचुरली डेरी चौंक जाता है और डर जाता है मिस्टर लैम की बात को सुन के, क्योंकि जब वो यहाँ आया था तो उसे आइडिया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है. तो अब जब उसने अचानक से मिस्टर लैम की आवाज को सुना है तो वो थोड़ा सा डर जाता है. डेरी डर जाता है और कहता है कि मुझे तो जाना है, लेकिन मिस्टर लैम उसको अश्योर करते हैं दैट ही शुड नॉट फील डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस इन द गार्डन. He does not mind who comes into the garden. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गार्डन में. मिस्टर लैम ट्राइज टू चेंज हिज परसेप्शन. मिस्टर लैम उसके परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं. वो उससे कहते हैं कि इस दुनिया में चाहे कुछ सुंदर हो या सुंदर ना हो, सारी ही चीजों का क्रिएशन गॉड ने किया है, और जिस चीज को ईश्वर, कोई फर्क नहीं होता है. डेरी कहता है
कि मैं और आप कैसे एक जैसे हो सकते हैं इस बात पर ओल्ड मैन रिप्लाइज दैट देयर एज इज डिफरेंट दे हैव फिजिकल प्रॉब्लम बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट सो दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम डैडी इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने से मना करता है वो कहता है कि ये बातें मैंने बहुत लोगों से सुनी है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी इनर ब्यूटी कैसी है एक फेमस प्रोवर्ब है जो लोग हमारे साथ प्रॉब्लम ये है दैट वी हैव नो आइडिया हाउ टू डील विद अ पर्सन सेंसिटिवली who is already suffering from a lot of pain because of certain physical handicap. हमें पता ही नहीं कि एक physically handicap या physically disabled आदमी के साथ व्यवहार कैसे करना है या तो हम उसकी appearance को लेके उसके उस loss को लेके हम उसको judge करने लगते हैं या हम उसके साथ pity करके उसके confidence को तोड़ देते हैं या कई बार हम उसे humiliate करते हैं उसे ये realize करा के कि वो दूसरों जैसा नहीं है या वो normal नहीं है वो कहीं ना कहीं दूसरों से कम है जैसे कि डैडी को अक्सर लोग उपदेश देते हैं कि उसे अपने बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे भी ज्यादा खराब कंडीशन में हैं बट दे आर ट्राइंग टू बियर विद द फैक्ट दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग दे नेवर ट्राई टू कंप्लेन सो ही शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर ऑल द पेन्स वो उसे याद आता है कि एक बार जब वो सड़क पे था तो उसने दो औरतों को बातें करते हुए सुना दोनों औरतें उसके चेहरे को देख रही थी उसके बारे में बातें कर रही थी और उनमें से एक औरत ने तो यहाँ तक कहा कि उसका चेहरा इतना अगली है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक मदर ही प्यार कर सकती है ये बता के डैडी मिस्टर लैम को ये बताना चाहता है कि कई बार इंसान कितने हार्श हो जाते हैं इन बीइंग जजमेंटल टू द पर्सन हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ पेन वो इंसान तो पहले से भी ही अपनी फिजिकल कमी की वजह से बहुत पेन में है और उसके साथ हम इतनी इनसेंसिटिवली बातें करके उसको और ज्यादा तकलीफ देते हैं डैडी कहता है कि बिकॉज आई हैव हर्ड ऑल दोज insensitive and harsh comments only I can realize how much painful it is for me mujhe kitna takleef hoti hai kitna dard hota hai in comments se ye sirf aur sirf main hi realize kar sakta hu ise koi bhi dusra insaan samajh nahi sakta at this point Mr. Lam advises him not to listen to everything and everyone मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम्हें सबकी बातें इतनी पेनफुल लगती हैं तो स्टॉप हियरिंग अदर्स सुननी बंद कर दो दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे बहुत सारे लोग तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सिचुएशन को अपने हिसाब से जज करेंगे सो इज इट नेसेसरी दैट यू शुड हियर एवरीवन एंड रिस्पॉन्स टू एवरीथिंग ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बिकॉज इफ यू डू सो यू कैन नेवर बी हैप्पी क्योंकि आप दूसरों को कभी खुश नहीं कर सकते और दूसरे के नजरिए से आप अपने आप को जज नहीं कर सकते तो वो मोटिवेट करते हैं लड़के को डैडी को कि उसे अपने आसपास की चीजों को लेकर थोड़ा और ऑब्जर्वेंट होना चाहिए उसे ये समझना चाहिए कि दुनिया में बहुत खूबसूरती है बहुत पॉजिटिविटी है अगर वो चाहे तो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ज्यादा वर्थफुल बना सकता है वो कहते हैं कि मैं जब यहाँ गार्डन में आता हूँ यहाँ बैठता हूँ यहाँ बहुत लोग आते हैं मैं उनसे बातें करता हूँ उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं यहाँ बैठ के किताब पढ़ता हूँ धूप में इंजॉय करता हूँ मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है ये जो मधुमक्खियाँ जब भिनभिनाती हैं दूसरे लोग इनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं दैट बीज आर बजिंग बट फॉर मी द हमिंग द बजिंग साउंड ऑफ बीज इज म्यूजिकल दे आर नॉट बजिंग दे आर हमिंग मधुमक्खियां गुनगुना रही हैं और मुझे उनका गाना बहुत अच्छा लगता है तो चीजों को हम कैसे देखते हैं इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सपेक्टिव टू विजुअलाइज द थिंग्स ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं डैडी कहता है कि आप बातें तो बहुत अजीब सी करते हैं अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ हैं तो शायद मैं यहाँ कभी भी नहीं आता मिस्टर लैम जब पूछते हैं कि अच्छा तो फिर तुम क्या करते
तो डैडी कहता है कि मैं अंदर तो नहीं आता, शायद मैं बाहर से ही गुजर जाता लेकिन अंदर नहीं आता, बिकॉज आई हेट बीइंग नियर पीपल, क्योंकि मुझे लोगों के पास होना, लोगों के साथ होना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब लोग मेरे आसपास होते हैं वो कैसे मुझे देखते हैं, वो मुझे देखते हैं और आपस में बात करते हैं, अगर वो नहीं भी कहते तो वो ऐसा फील जरूर करते हैं दैट आई एम एज अगली एज डेविल, वो मुझे देखकर डरते हैं और अपने अंदर घृणा फील करते हैं, और जब अगर उन्हें मेरा साथ पसंद नहीं, अगर उन्हें मेरा होना पसंद नहीं है तो मुझे भी उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि जब आप यहाँ हो तब मैं गार्डन में आऊं। इसको मिस्टर लैम कहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें अपने आप को रूम में लॉक कर लेना चाहिए ताकि तुम्हें लोगों का सामना ना करना पड़े या लोग तुम्हें ना देखें? अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मिस्टर लैम एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे आदमी की जो दुनिया में हर चीज से डरता था। रोड पे नहीं जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। किसी एनिमल को मैं नहीं प्यार करूंगा कि कहीं वो मुझे हिट ना कर दे और कहीं मैं मर ना जाऊं। आई विल नॉट फॉल इन लव विद एनी गर्ल बिकॉज इफ शी चीट्स मी आई विल बी हार्ट ब्रोकन एंड आई मे डाई। तो ये हर चीज से वो डरता था, और इन सब से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने आप को अपने बेडरूम में लॉक कर लिया कि जब बाहर ही नहीं निकलूंगा, किसी चीज का सामना नहीं करूंगा तो कोई भी चीज मुझे हर्ट नहीं कर सकती। वो गया और अपने बेड में सो गया, और हुआ क्या कि एक तस्वीर जो उसके कमरे में लगी हुई थी वो उसके ऊपर गिरी एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। डेरी हंसता है इस बात पे। मिस्टर लैम कहते हैं, देखो, यू कैन नॉट अवॉइड योर डेस्टिनी। इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी इन टच विद पीपल, इफ यू डोंट वॉन्ट टू कन्फ्रंट विद पीपल, यू कैन लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अपने आप को कमरे में बंद कर देना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। लोगों का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और अगर तुम्हें अच्छे से जानना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लोगों को भी लेना पड़ेगा। दे कैन नॉट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर अपीयरेंस, क्योंकि तुम्हारा चेहरा डिसफिगर्ड है या थोड़ा सा जला हुआ है या दूसरे लोगों जैसा नहीं है, इस बेसिस पर लोग तुमसे बात करना बंद नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो ये उनका लॉस है। वो डैडी को एनकरेज करते हैं दैट यू शुड नॉट फील डिसहार्टेंड बाय योर फेशियल स्कार, ये जो तुम्हारे चेहरे पर ये जो चोट का निशान है, ये जो घाव है एसिड के जलने का, इसकी वजह से तुम्हें डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए। रादर यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू हैव मैनी अदर थिंग्स, द गिफ्ट्स ऑफ गॉड दैट आर नॉट विद अदर्स। तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, और तुम्हारा एक अपना ब्रेन है जिसे तुम जैसे चाहो यूज कर सकते हो, एंड यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तुम अपनी लाइफ को जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, और अगर तुम ये डिसाइड कर लो तो शायद और लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसा कि हमने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंसेस से देखा है कि बहुत सारे लोग जो फिजिकली फिट नहीं थे, जो फिजिकली डिसेबल्ड थे, उन्होंने कैसे अलग अलग फील्ड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल को एग्जिबिट किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, और वो चीजें अचीव की हैं जो किसी नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टीफन हॉकिंग हु इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न इरा। ही हैज ब्लेस्ड द वर्ल्ड विद सेवरल साइंटिफिक थ्योरीज in spite of remaining in a wheelchair throughout his life as he was suffering from cerebral palsy. So this is just an example to show ki kaise aapki physical handicap kabhi aapki potential ke beech mein nahi aa sakti. Agar aap chaho और डिसाइड कर लो तो अपने सारे स्टैमिना, सारे पोटेंशियल को यूज करके वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। कई बार ये चीजें नॉर्मल लोगों से ज्यादा और बेहतर होती हैं।
मिस्टर लैम कहते हैं डैरी को कि तुम्हें लगता है, जैसे कि बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं इस घर में अकेला रहता हूँ या मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। ये दोस्त उन लोगों के रूप में हैं हु कम इनटू माय गार्डन, जो मेरे गार्डन में आते हैं, यहाँ बैठते हैं, धूप को एंजॉय करते हैं, मेरी बातों को एंजॉय करते हैं, यहाँ बैठ के फ्रूट्स खाते हैं, मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और मैं उन क्वेश्चंस को पूछ के बहुत सारी चीजें दुनिया के बारे में जानता हूँ। वो सब मेरे दोस्त हैं। डैरी भी उनमें से एक है। तो डैरी के ये पूछने पे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं हो, उनका नाम भी नहीं जानते हो, तो वो तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? मिस्टर लैम कहते हैं कि नो मैटर हु दे आर और व्हाट दे आर, क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि मेरे गार्डन में आने वाले लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, उनके नाम क्या है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो यहाँ बैठते हैं मैं उनसे बातें करता हूँ, मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है, तो दैट मीन्स दे आर माय फ्रेंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम एंड आई डोंट इवन बॉदर टू नो एनीथिंग अबाउट देम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जो आदमी मेरा दुश्मन नहीं है वो मेरा दोस्त है। तो वो डैरी से कहते हैं कि तुम जब यहाँ आए हो और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता, तो इसका मतलब कि तुम मेरे दोस्त हो। मिस्टर लैम कहते हैं कि व्हेन द बॉम्ब ब्लू अप माय लेग तो इट ओनली हार्म्ड माय लिम्ब, जब बॉम्ब ब्लास्ट में मैंने अपनी टांग को खोया तो मैंने सिर्फ अपना एक अंग खोया है। वैसे ही जैसे बॉटल जब एसिड की तुम्हारे चेहरे पर गिरी तो उसमें तुम्हारा सिर्फ चेहरा जला है। मत भूलो कि दुनिया में इससे भी बहुत ज्यादा खराब चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें जो तुम्हें इंटरनली हर्ट कर सकती हैं, अगर तुम्हारा पर्सपेक्शन, अगर तुम्हारा एटीट्यूड, अगर तुम्हारा सोचने का नजरिया करप्ट हो जाता है या खराब हो जाता है, अगर तुम अपने अंदर हेट्रेड डेवलप कर लेते हो, तो इट कैन हार्म यू मोर एडवर्सली और फ्रॉम विद, तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है तुम्हारे अंदर से, बिकॉज इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू सी द वर्ल्ड विद अ करेक्ट विजन। आप दुनिया को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे उस हालत में जब आप अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जब आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है या आप कड़वाहट से भरे हुए हो, तो आप दुनिया की, आप नेचर की ब्यूटी को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, आप ये एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे वॉट यू एक्चुअली आर फ्रॉम विद इन और वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम द वर्ल्ड। मिस्टर लैम कहते हैं कि शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। व्हेन यू से दैट यू हेट पीपल मे बी यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग इन रिटर्न। तो शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो एक कमजोर से कमजोर आदमी को पावरफुल बना सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं और कई बार उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विगर को एग्जिबिट करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। और वही वर्ड्स जब गलत तरीके से यूज होते हैं तो वो कई बार इतने पेनफुल हो सकते हैं किसी के लिए, इतने हजार्डस हो सकते हैं किसी के लिए कि उसके कॉन्फिडेंस को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं और उसे एक कॉम्प्लेक्स का शिकार बना सकते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि डैरी का उनके गार्डन में हमेशा स्वागत है, डैरी को ये गार्डन इतना पसंद आया है तो वो जब चाहे यहाँ आ सकता है और इसके लिए उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही मिस्टर लैम से का इंतजार करने की जरूरत है। डैरी बदले में उनको हेल्प करने का ऑफर करता है कि वो यहाँ पर आके इस गार्डन में इन पेड़ों पे चढ़ के क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में उनकी मदद कर सकता है और वो कहता है कि वो घर जाएगा और अपनी मदर से परमिशन लेके वापस आएगा। इस बात पे मिस्टर लैम कहते हैं कि जब वो अपने घर जाएगा तो हो सकता है कि डैरी लौट के खुद ही ना आना चाहे और हो सकता है कि वो ये एक्सक्यूज दे दे कि उसकी मदर ने उसको यहाँ आने से रोक दिया है।
मिस्टर लैम कहते हैं कि डेरी को हमेशा दूसरों से एग्री करने की जरूरत नहीं है। जब डेरी ये कहता है कि मैं अपनी मदर की परमिशन लेके आऊंगा, तो मिस्टर लैम उसको रियलाइज कराते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार तुम जाओ और जो दूसरे तुम्हारे लिए डिसाइड करे तुम्हें वही करना हो, या हमेशा जो दूसरे तुम्हारे लिए डिसाइड करते हैं वही सही है। दूसरा कभी तुम्हें नहीं बता सकता है व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू। यू हैव टू डेवलप योर ओन इंडिविजुअल ओपिनियन, योर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड व्हाट आर द थिंग्स यू रियली लाइक टू डू इन द लाइफ एंड इन द वर्ल्ड। और उसे इंतजार करना होगा, उसे देखना होगा, अपने आसपास की चीजों को सुनना होगा, ताकि वो जिंदगी के लिए अपने नजरिए को चेंज कर सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मिस्टर लैम करते हैं। और वो कहते हैं कि तुम मेरी तरह अगर ऑब्जर्व करना सीखोगे चीजों को, तो डेफिनेटली तुम्हारा नजरिया जरूर बदल जाएगा। मिस्टर लैम अपने बीज की तरफ जाते हैं और डेरी दूर से उनको चिल्लाता है कि मैं जरूर लौट के आऊंगा। वो मिस्टर लैम को चैलेंज करते हुए कहता है कि यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू ब्रेक माय प्रॉमिस, बट यू विल सी कि मैं एक बार लौट के यहां पर जरूर आऊंगा, थोड़ी देर बाद ही आऊंगा। और वो वहां से चला जाता है। बाद में हम मिस्टर लैम को पाते हैं जो अकेले में बड़बड़ाते हैं कि जो कोई भी इस गार्डन में आता है वो यही कहता है कि वो लौट के इस गार्डन में जरूर आएगा, लेकिन वास्तव में लौट के कोई भी नहीं आता। और यहां हम रियलाइज करते हैं कि Even if Mr. Lam is full of positivity, he is open-hearted for the world and the beauties of the world. उनका सबका स्वागत वो करते हैं, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में उतने ही अकेले और alienated हैं जितना कि डैडी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैडी अपने घर जाता है और अपनी मदर को बताता है मिस्टर लैम के बारे में। उसकी मदर उसको वार्न करती है कि उसको वापस उस गार्डन में नहीं जाना है, क्योंकि उसने मिस्टर लैम के बारे में बहुत सारे वियर्ड स्टोरीज सुने हैं कि वो एक बूढ़ा आदमी है जो बिल्कुल अकेले रहता है, जिसके गार्डन का गेट हमेशा खुले रहता है, जिसका एक बड़ा सा घर है जिसमें पर्दे नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही वियर्ड है और लोगों की ओपिनियन मिस्टर लैम के बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वो उसको रोकती है कि डैडी बिल्कुल भी वहां लौट के नहीं जाएगा। लेकिन मिस्टर लैम के बारे में डैडी कन्विंस करता है अपनी मदर को कि मिस्टर लैम तो एक हार्मलेस मैन है, ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी देयर, सिट एंड लिसन टू हिज टॉक्स, क्योंकि वो अपने आप को बिलोंग टू फील करता है वहां उस गार्डन में। उसको लगता है कि कुछ तो उसका है जो उसका अपना है। वो उसके अपनी मदर के ऑर्डर्स को बिल्कुल इग्नोर करता है, वो बिल्कुल अपनी मदर की आज्ञा को मानना नहीं चाहता और जाता है मिस्टर लैम, जाना चाहता है मिस्टर लैम के पास इंस्पिरेशन के लिए, उस पॉजिटिविटी के लिए जो उसको आगे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करेगी। वो कहता है इफ आई डोंट गो देयर टुडे आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, जिसका मतलब है कि अगर आज वो यहां नहीं जाता है तो शायद वो फिर कभी कहीं पर भी जाने के लायक नहीं रहेगा। यानी मिस्टर लैम ने जो आज उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, उसको एक नया नजरिया दिया है, उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है कि वो भी अपने लिए डिसीजंस ले सकता है। अगर आज वो अपने डिसीजन को फॉलो नहीं कर पाता है तो शायद वो फिर कभी अपने लिए कोई डिसीजन लेने लायक भी नहीं रहेगा और दुनिया के लिए वो एक कंप्लीटली अलिनेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लैम के गार्डन को एक बार फिर से देखते हैं। मिस्टर लैम एक सीढ़ी पर चढ़ के एक पेड़ से क्रैब एप्पल्स को तोड़ रहे हैं। सडनली वो सीढ़ी गिर जाती है, मिस्टर लैम भी सीढ़ी के साथ गार्डन में गिर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डैडी आता है और गेट से अंदर एंटर करता है। जब वो मिस्टर लैम को वहां गिरा हुआ देखता है तो वो दौड़ के मिस्टर लैम की तरफ आता है और उनसे बातें करने की कोशिश करता है। वो बहुत ही डेस्परेट होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है और उनको बताना चाहता है कि वो वापस आया है, उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। वो मिस्टर लैम को बताना चाहता है कि हाउ मच ही फील्स हिमसेल्फ बिलोंग टू मिस्टर लैम, कितना ज्यादा उस अपने आप को इंस्पायर फील किया है उसने मिस्टर लैम से। वो बहुत सारी बातें मिस्टर लैम से करना चाहता है, लेकिन आज मिस्टर लैम उसको कोई भी आंसर नहीं देते। डैडी रियलाइजेस दैट ही हैज लॉस्ट द इंस्पिरेशनल ओल्ड मैन एंड बिगिंस टू बीप, रोने लगता है कि उसकी जिंदगी का, उसकी प्रेरणा का जो एकमात्र स्रोत है मिस्टर लैम, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सो इन दिस वे मिस्टर लैम मोटिवेट्स एंड एनकरेजेस डैडी
to live a normal life and in a way a better life irrespective of his physical handicap. वो खुद तो मर जाते हैं लेकिन एक नया नजरिया डैडी को देखे जाते हैं कि किस तरीके से अपनी हैंडीकैप को अपनी कमजोरी ना मानते हुए वो सिर्फ लाइफ का एक फेज है और वो अपने जो इननेट टैलेंट हैं इननेट इंटरेस्ट हैं कैसे वो इनको एक्सप्लोर कर सकता है और एक नॉर्मल और बेटर लाइफ वो जी सकता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल एंड विद दिस थैंक यू हैव अ ग्रेट टाइम.